आज हमने घर में बनाया अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर को छान के पीस के छान के जो मोटा बचा और मेरे पास बची हुई चाशनी थी उससे हमने बनाई ये सौंफ जो हम चाट में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया, बनाना शुरू करते हैं। अमचूर पाउडर, घर की सुखाई हुई अमचूर पाउडर और सौंफ। आम का सीज़न है और इस समय कच्ची कैरी है, हम अचार में, खटाई सुखाने में, कच्चे आम से मुरब्बा बनाने में, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम खटाई घर में बनाते हैं तो हमारी खटाई काली पड़ जाती है। मैं आज आपसे शेयर करूंगी, आपकी खटाई काली भी नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी सूख के भी तैयार होगी। ये मैंने आमी ली हैं, आमी ध्यान रखें देसी लें जो ज़्यादा खट्टी होती हैं, तभी खटाई बनाने का फ़ायदा है और बिल्कुल कच्ची हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं घर में खटाई जो हम बाज़ार से इतनी महंगी लेके आते हैं। लेकिन लाने का एक कारण ये भी हो जाता है कि घर में हम सुखाते हैं तो जो कैरी सुखाते हैं वो काली पड़ जाती है। लेकिन आज हम जो जिस तरह से सुखाएंगे हमारी कैरी काली भी नहीं पड़ेंगी और इंस्टेंट बन के तैयार होंगी। ये मैंने आमी ली और इनको मैंने अच्छे से धो लिया, मोछ लिया और पानी सुखा दिया। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, मैं इनको छील लूँगी। केरी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, पिलपिली नहीं होनी चाहिए। पिलपिली होगी तो आपके खटाई, आपको छील के दिखाती हूँ, मेरी आमी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन है कच्ची अब भी, लेकिन दबाने से देखिए थोड़ी सॉफ्ट है। अगर इसमें पीलापन होगा, थोड़ा सा भी जूस होगा तो मैं इसको सुखाऊंगी नहीं, ऐसे ही रख छोड़ दूंगी, चटनी में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। करेले बनाते हैं उसमें डाल लूँगी, आम पन्ना बना लूँगी, लेकिन खटाई नहीं सुखाऊंगी। खटाई सुखाते हुए सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं सारी आमी को छील लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। वैसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पीसीस काटते हैं मोटे मोटे, लेकिन वो मोटे होते हैं और टाइम बहुत लेते हैं सूखने में, तो इसलिए हम इसको स्लाइस कर सकते हैं पतली पतली, जैसे हम आलू के लिए करते हैं या पकौड़े बनाने के लिए आलू काटते हैं, चिप्स काटते हैं आप स्लाइसर से इस तरह से। देखिए ये पतले पतले निकाल लीजिए और ये देखिए, मैंने कहा था ना ये आमी मेरी थोड़ी पकी है तो इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये गीला, इसमें रस ज़्यादा होता है, ये सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। मैं इसके निकाल लूँगी इस तरह से, सारे स्लाइस निकाल लूँगी। आप स्लाइस निकालना चाहते तो कद्दूकस से कस कर लीजिए, वो भी बहुत जल्दी सूखेगा, लेकिन उसमें होता क्या है, जूस निकल जाता है, मतलब पानी ज़्यादा निकलता है। जब हम किसी चीज़ को कद्दूकस करते हैं तो उसका पानी निकलता है, तो इसको हमें ऐसे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें कि कद्दूकस करेंगे तो हमारी ये जूस कम निकलेगा, लेकिन सूखेगी बहुत जल्दी। और आजकल तो गर्मी पड़ रही है, धूप भी अच्छे से अगर आती है तो बहुत जल्दी सूख जाएंगी। और दूसरा तरीका है कि आप इनको एयर फ्रायर में, माइक्रोवेव में बड़े आराम से सुखा सकते हैं बहुत जल्दी। मैं आपको एयर फ्रायर में सुखा के दिखाऊंगी, लेकिन एयर फ्रायर का ये होता है कि सबके पास नहीं होता, इस वजह से धूप में ही सुखाना सबके लिए, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से किसी भी प्लेट में, पेपर पे, कपड़े पे सुखाएं, धूप में 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल कुरकुरी हो जाएंगी। और अगर आप माइक्रोवेव में, एयर फ्रायर में सुखा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगी, 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी पीसने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैं आपको एयर फ्रायर में करके दिखाऊंगी। सारी आमी ऐसे ही स्लाइस निकालिए, अब इनको आप कितनी पतली पतली, जैसे हम चिप्स काटते हैं उस तरह से स्लाइस निकलिए। ये इतनी जल्दी सूख जाएंगी, हम धूप में भी सुखाएंगे तो हमारी 2 दिन में सूख के तैयार हो जाएगी। इस तरह से लगा दें और इसे एयर फ्रायर में लगाएंगे ट्रे को। और अगर आप धूप में सुखाते हैं तो भी इस तरह किसी पॉलीथीन पे, किसी साफ कपड़े पे, सूती पे, एक के ऊपर एक ना फैलाएं, इसी तरह से फैलाएं। अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छे से आती है तो 1 दिन में ही ये बहुत ज़्यादा सूख जाएंगी। और फिर इन्हें आप फैन के नीचे रख दीजिए, काली, जो काले पड़ने का रिस्क होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले धूप में सुखा लिया इनको। और पानी सूखने के बाद
फिर ये फैन के नीचे भी रखी रहेंगी तो भी अब ये सूख जाती हैं। मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने ये इस तरह से अरेंज कर दी और अब मैं इसको और इसका टेम्परेचर ये मैंने 200 टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए सेट करा है। इसका टेम्परेचर आप बीच में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नहीं कि जैसे माइक्रोवेव बंद हो जाता वो बंद नहीं होता, ये आपको कम की ज़रूरत है तो बीच में आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए ये सूख जाए फिर मिलते हैं। ये देखिए टाइम कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अभी देखने में सॉफ्ट लग रहे हैं लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे ये बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको इनको पीस के दिखाऊंगी। और देखिए बिल्कुल काली नहीं पड़ी, ऐसे कि ऐसे सॉफ्ट हैं एकदम से, जैसी हमने रखी थी बिल्कुल वैसी हैं। सूखने पर हल्का सा रंग का फ़र्क तो पड़ ही जाता है लेकिन काली नहीं पड़ी बिल्कुल। चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं फिर पीस लें। ये देखिए हमारा अमचूर कितने अच्छे से सूख गया, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए अब मैं इससे पीसती हूँ और आपको इससे एक और रेसिपी भी बना के दिखाती हूँ। चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, ये मैं मिक्सी के जग में डाल के पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं पीस ली, अब इसे छान लेंगे और जो ये बचा है इसको दोबारा से छान लेते हैं। दोबारा से मिक्सी के जग में डाल के पीस लूँगी और हमारी अमचूर तैयार। बिल्कुल ये देखिए हमारा अमचूर पाउडर बिल्कुल तैयार, घर का सुखाया साफ शुद्ध। बाज़ार से हम इतना महंगा लाते हैं और घर का बना देखिए कितना साफ शुद्ध है बिल्कुल। जो अमचूर इसमें छान के मोटा निकला है उससे मैं आपको एक रेसिपी बना के दिखाती हूँ। देखिए हमने अमचूर तो पीस लिया और ये जो छान के मोटा मोटा ऊपर का है इससे मैं आपको एक रेसिपी बना के दिखाऊंगी और साथ ही वो भी बची हुई चीज़ से। कई बार हम घर में मिठाई बनाते हैं कुछ बनाते हैं तो जो चाशनी बच जाती है, ये मैंने टूटी फूटी बनाई थी तो उसकी कलरफुल चाशनी है। ये मेरी किसी भी चीज़ में यूज़ हो नहीं सकती क्योंकि कलरफुल है, तो मैं इसको इससे आपको एक रेसिपी बना के दिखाती हूँ इमली से। ये इसे मैं पहले छान लूँगी और नाप लेंगे कितना है। वैसे तो मैंने ये छान के ही बॉटल में भरी थी, ये मेरी एक कप है। जितनी हमारी चाशनी है उतना ही हम पानी लेंगे लेकिन मेरी कम मीठी है, जैसे चाशनी मीठी होती है गुलाब जामुन की या रसगुल्ले की उतनी मीठी नहीं है, तो मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी क्योंकि ये मैंने जो टूटी फूटी बनाई थी उसका जो नीचे रस बच सुखाने के लिए जाली पे रखते हैं वो वाला रस बचा हुआ है तो थोड़ा मीठा इसमें कम है, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये बना के दिखा रही हूँ। ये मेरा एक कप हुआ, इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाय नहीं बनानी, जो चीज़ हम बना रहे हैं मेरे पास बनी हुई है तो उस हिसाब से, वरना चीनी हम और भी डाल सकते थे या गुड़ जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। और क्योंकि ये मेरी कलरफुल है तो आप देख रहे हैं कितना डार्क कलर है, इसके मैं कोई यूज़ में ला नहीं सकती इसको कि हम घर में कोई चीज़ बनाए मिठाई बनाए या कोई भी तो उसमें इस्तेमाल करें। ये मैंने हलवाइयों को देखा उनकी रेसिपी है बिल्कुल। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ये है सौंठ पाउडर, ये मैंने एक चम्मच भर के लिया। ये है काली मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच काली मिर्च, और ये कुटी हुई सौंफ एक चम्मच, भुना जीरा पाउडर एक चम्मच, काला नमक जितना हमने नमक डालना है उस हिसाब से आधा काला और आधा रेगुलर, धनिया पाउडर और अमचूर को कैसे भूल सकते हैं दो चम्मच, ये वाले मैंने अमचूर पाउडर डाला क्योंकि मेरी चाशनी कम है इस हिसाब से डाल रही हूँ मैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितनी आपकी चाशनी है या आप जितनी चीनी ले रहे हैं उस हिसाब से, और जो खटाई पीस के मोटा मोटा पीस बच जाता है वो भी काम आ जाता है। और कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सौंठ, जो हम चाट में खाते हैं हम इससे वो सौंठ बना रहे हैं। ये मैंने हींग डाला एक चुटकी और अब इसमें को हम मिला के पका लेंगे इसको, तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने ये फ्लेम पे नहीं रखा, आपने देखा पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे और हमारी होममेड सौंठ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मेरा तो आपने देखा चाशनी भी कैसी कलरफुल थी जो किसी काम नहीं आ सकती थी, लेकिन ये इस काम बड़े आराम से आ जाएगी। मेरी चाशनी भी वेस्ट नहीं हुई और जो हमने खटाई पीसी थी वो भी हमारी वेस्ट नहीं हुई, उसका जो मोटा मोटा पार्ट था उससे हम ये
पका के सौंठ बना लेंगे, इमली की चटनी बना लेंगे, और किसी भी चाट में, दही बड़े में, किसी में भी बड़े अच्छा टेस्ट देगी। हलवाई लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, वो अपनी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देते। चलिए अब इसको मैं पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी देख के आपका कुछ भी, कोई भी रेसिपी आपने ट्राई करी अच्छा बनता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ। आप भी तो कोई अलग से यूज़ करते होंगे, वो भी शेयर कर सकते हैं, हम भी ट्राई करें। चलिए अब इसे पका लेते हैं। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली बिल्कुल भी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश पे था, और आप देखिए पकने के बाद ये रेड हो जाएगा। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, रंग नहीं डालती हूँ मैं, बिना रंग के ही बनाती हूँ, चाहे रंग हल्का थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। हार्मफुल चीज़ों को क्यों इस्तेमाल करना। चलिए इसे मैं पका के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सौंठ कितनी बढ़िया तैयार हुई है। अब आपकी मर्जी है, इसे छानिए या ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये मसाले मुंह में आते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए कितनी शानदार सी हमारी सौंठ तैयार हुई, और बिल्कुल बची हुई चीज़ों से हमारी सौंठ का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए, वैसे ही ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है, मेरे लिए तो यही परफेक्ट है। अब मैं इसको ठंडा होके फ्रिज में रख लूँगी, किसी भी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके, बॉटल में, बॉक्स में, किसी में भी रखें, और सालों साल इस्तेमाल करें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।